hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i am back with another video so today we are going to have discussion on the part 2 mcqs which we have already started and the subject is marketing so i have already uploaded two uh, videos related to the point तो ये जो सेकंड वीडियो है इस मार्केटिंग सब्जेक्ट का जिसमें हम और कुछ एम को डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्टिंग के भी मैंने एम सी के चैनल पर अपलोड किए हैं टैक्स के भी अपलोड किए हैं आपको उसके वीडियोज अभी रेगुलर बेस पर मिलते रहेंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले उसका बेनिफिट यही होगा आपको कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको जो वीडियोस में डाल रहा हूँ उससे काफ़ी बेनिफिट आपके पेपर में आपको मिलेगा तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द इन्फॉर्मेशन ऑप्टेंड फ्रॉम न्यूज पेपर आर्टिकल्स ट्रेड जर्नल्स एक्सेट्रा इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा या रॉ सोर्स ऑफ डेटा तो जो भी इंफॉर्मेशन हम न्यूज पेपर्स मैगजींस जर्नल्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं वो हमारा कौन सा इंफॉर्मेशन होता है दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्सेस और जो हम सर्वे करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि क्वेश्चनेर्स भर के लोगों से क्वेश्चन पूछ के वहाँ से डिटेल लेके तो उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज़ टू कलेक्ट एंड इवेल्युएट ऑल द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग एफिशियंट डिसीशंस मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मार्केटिंग डिसीजन सिस्टम या मार्केट सेगमेंटेशन तो क्या आप पूछ रहे हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश टू कलेक्ट एंड इवेल्युएट ऑल द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एस एम आई एस मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो इसका राइट आंसर बनेगा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हम रिलीवेंट डिसीशन लेने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं डैश हेल्प्स इन फाइंडिंग रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत सारा डेटा है उसमें से हम रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं डेटा स्टोरेज डेटा वेयरहाउस डेटा माइनिंग या डेटा प्रोसेसिंग तो उसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग वेन एवर यू हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड फ्रॉम दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यू आर फाइंडिंग द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन और रिलीवेंट डेटा एंड दैट इज कंसिडर एज डेटा माइनिंग तो उसे क्या कहते हैं डेटा माइनिंग क्वेश्चन नंबर फोर डैश मीन्स डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इन टू डिफरेंट सेगमेंट्स और ग्रुप्स और स्मॉलर सब मार्केट्स मार्केटिंग रिसर्च मार्केट सिलेक्शन मार्केट सेगमेंटेशन या मार्केट डिवीजन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एस टी पी एस टी पी याद रखना एस से है सेगमेंटेशन टी से है टारगेटिंग और पी से है पोजीशनिंग तो मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है हम हमारे जो मार्केट होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में और जो ग्रुप्स हमने किए हैं उसको भी अगर फर्दर आपने डिवाइड कर लिया तो दैट इज कॉल्ड निश मार्केटिंग फिलहाल यहाँ पे बोल रहे हैं कि डैश मीनस डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इन टू डिफरेंट सेगमेंट्स और ग्रुप्स तो आंसर इसका बनेगा मार्केट सेगमेंटेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इनमें से कौन सा पहला स्टेप है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में डिटरमाइनिंग डेटा सोर्सेस आइडेंटिफाइंग मार्केटिंग प्रॉब्लम डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन या ऑर्गेनाइजिंग डेटा तो याद रखना रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक तब तक आप आगे के स्टेप्स कैसे करोगे रिसर्च डिज़ाइन वगैरह सब आगे आएंगे डेटा सोर्सेस कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है वो सब बात के पॉइंट्स हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम The is the marketing? तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग तो मार्केटिंग के इवोल्यूशन में बहुत सारे कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट प्रोडक्शन कंसेप्ट प्रोडक्ट कंसेप्ट होलिस्टिक कंसेप्ट एक्सचेंज कंसेप्ट तो अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें जैसे अभी यहाँ पे ओल्डेस्ट कंसेप्ट पूछा है वहां पे अगर मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो फिलहाल देखो मार्केटिंग और होलिस्टिक कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक कंसेप्ट जो है उसमें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इंटरनल मार्केटिंग ये सारे कंसेप्ट कवर होते हैं तो यहां पे ओल्डेस्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो ओल्डेस्ट कंसेप्ट सबसे पहले कौन सा था बार्टर एक्सचेंज का कंसेप्ट चलता था तो दैट इज कॉल्ड गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सचेंज कंसेप्ट तो एक्सचेंज कंसेप्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं डैश इज अ प्रोसेस वेयर बाय इजेशन सिलेक्ट द टारगेट मार्केट फ्रॉम द एंटायर मार्केट तो टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना एंटायर मार्केट में से उसे क्या कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग मार्केट सिलेक्शन मार्केट रिसर्च या मार्केट टारगेटिंग तो दिस इज कॉल्ड एस मार्केट टारगेटिंग उसे हम कहते हैं मार्केट टारगेटिंग क्वेश्चन नंबर एट डैश इज बेसिकली मैनेजिंग एंड इंप्रूविंग द बिजनेस रिलेशनशिप विद कस्टमर्स तो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना उसे क्या कहते हैं कस्टमर रिलेशंस मार्केटिंग कंज्यूमर रिलेशन सिस्टम कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो उसे कहते हैं सी आर एम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो जिससे हम हमारे कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनस मेंटेन करेंगे ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए और अगले बार भी वो हम ही से प्रोडक्ट परचेस करे या हम ही से वो सर्विसेज ले दैट इज क्वेश्चन नंबर एट सी आर एम क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइन तो ये सब लाइन में ही है फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है तो फर्स्ट स्टेज कौन सा है फर्स्ट स्टेज होगा हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज पहले हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं फिर ग्रोथ होता है फिर एक टाइम पे प्रोडक्ट ग्रोथ स्टॉप हो जाता है विच इज कॉल्ड मैच्योरिटी स्टेज और फिर वो डिक्लाइन में जाता है दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन क्वेश्चन नंबर टेन डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन पर्सनल सेलिंग प्रोसेस प्री अप्रोच सेल्स प्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्टिंग या फॉलो अप तो इनमें से कौन सा पहला स्टेप है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में तो पहला स्टेप कौन सा है प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस दैट्स इट फ्रॉ दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो अभी इसको लाइक कर ले अपने फ्रेंड्स में शेयर कर ले और अगर आप पहली बार चैनल पर आओ तो सब्सक्राइब कर ले उसका बेनिफिट आपको ही होने वाला है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले मैं टेलीग्राम चैनल पर सारे पी डी एफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर